हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रमैयाज़ टेरेस गार्डन। कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कल के वीडियो में कि मैं कहाँ से गमले खरीदती हूँ, ये सब आपको मैं बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये 5 गमलों की मैंने वीडियो बनाई थी, पता नहीं कैसे शायद गलती से डिलीट हो गया। तो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वाइट, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ये 4 जो मेरे को गमले हैं, ये 100-100 के पड़े थे, तो 400 में। और एक लास्ट में जो रेड एक्सोला लगा हुआ है येलो कलर के, उस गमले का दाम, क्योंकि वो बड़ा है तो उसका 200 में था। तो इस तरह से फ्रेंड मुझे बहुत ही किफ़ायती दाम में मिल गया, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में, और क्योंकि बहुत ही कलरफुल था तो मुझे वैसे ही पसंद है, तो मैंने इसको ले लिया। फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ अभी गमलों के बारे में बताया, सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट, मैंने पहली बार स्टैंड खरीदा, जबकि मैं सबको कुछ ना कुछ एडजस्ट करके किसी दूसरी चीज़ में एडजस्ट करती थी, लेकिन फ्रेंड्स मैंने एक नई चीज़ खरीदी है, वो है ये गमले का स्टैंड, जो बहुत ही अच्छे तरीके से प्लास्टिक पेंट किया हुआ है लोहे के ऊपर, बहुत ही ड्यूरेबल लगा मुझे। और ये फ्रेंड्स सिर्फ मैंने बहुत बार्गेन करने की कोशिश किया, मगर उन्होंने मना कर दिया, 300 में दिया। बट फ्रेंड्स, शौक बड़ी चीज़ है, मैंने 300 नहीं देखा, मुझे तो बस स्टैंड पसंद आ गया। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने सजाया, तो वैसे भी कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा का पूरा। तो फ्रेंड्स आगे देखिए, मैंने कुछ हैंगिंग पॉट्स भी खरीदे हैं, ये देखिए, ये बहुत ही किफ़ायती दाम में 80 या 90 का दिया था मुझे। और कलर देखिए कितना खूबसूरत है, डार्क ब्राउन में ये है, बिल्कुल नेचुरल कलर है, जैसे कोई पॉट होते हैं जैसे मिट्टी का हो या किसी चीज़ का भी हो। तो फ्रेंड्स देखिए कितना खूबसूरत है ये। तो फ्रेंड्स इसी तरह के और भी मैंने पॉट्स लिए थे फ्रेंड्स, तो मैं ऊपर मैंने हैंगिंग बना रखा है, आपको मैं दिखाती हूँ हैंगिंग आपको। तो फ्रेंड्स कल जो मैंने ये पॉट लिया था, उसमें बाकी में तो शिफ्ट कर दिया मैंने, और एक अभी एक रह गया जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं भी किस तरह से रीपॉटिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये गमला है जो आपने देखा होगा, ये 6 इंच का है, उसमें प्लांट शिफ्ट करने से पहले, सबसे पहले इसमें जो छेद है फ्रेंड्स, इस तरह से जो छेद है यहाँ पर, उसको कवर करना है, अदरवाइज सारा पानी बह जाएगा और प्लांट्स आपके सूख जाएंगे। तो इस तरह से ये मिट्टी के ये जो टुकड़े हैं वो आपने इसको वहाँ पानी जहाँ ड्रेनिंग से है वहाँ पर ड्रेन में आपने लगाना है इसको इस तरह से, तो साइड से पानी निकल जाएगा, उसको सांस लेने की तकलीफ नहीं होगी, अच्छे से वो अपना सांस ले सकते हैं और आपका प्लांट भी हरा भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले फिर आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा ऑर्गेनिक सॉइल है। ऑर्गेनिक सॉइल इसलिए क्योंकि अपने किचन से जितने वेस्ट निकलते हैं, छिलके वगैरह, वो मैं इसमें डालती हूँ। इसका वीडियो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो ये मैंने मिट्टी लिया 60%, कोकोपीट और अदर कुछ ऐसे मिक्स हैं जैसे थर्माकोल वगैरह, जो पानी को बहाव को अच्छे से रोक के रखता है और गीला रहने से रोकता है पॉट को, ये कोकोपीट है फ्रेंड्स। ये 20%, ये सैंड है, नॉर्मल सैंड, ये 20%। इस तरह से समय की बचत के लिए मैंने ये मिक्स करके रखा है पहले से फ्रेंड। तो आप फटाफट में इसमें मिट्टी भर लेते हैं जो मैंने बना रखा है पहले से, इसको इसका मिक्सचर में भर रही हूँ इसमें, क्योंकि मैंने अभी ये प्लांट जो है वहाँ अभी लिया नहीं, वहाँ से नहीं लिया मैंने, जहाँ से मैंने गमले खरीदे, एक भैया घूम रहे थे रेडी लेके। तो बस आपको पता है फ्रेंड्स कि प्लांट्स लवर कैसे होते हैं, जहाँ देखा बाकी चीज़ें छोड़ के प्लांट्स दिख गए तो बस बिल्कुल पागलपन की हद हो जाती है। तो मैंने खरीद लिया था ऑफिस से आते वक्त, ये 3-4 दिन से ऐसे रखे हुए हैं, तो कल ही पॉट लेके आई हूँ और आज मुझे टाइम मिला कि मैं इसको इसके अंदर शिफ्ट कर दूँ। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं डेमो दिखा देती हूँ किस तरह से मैं अपने प्लांट्स को शिफ्ट करती हूँ, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये मिनिएचर एक्सोला है, तो मुझे लगता है इतना इसके अंदर मिट्टी और सैंड सब काफ़ी है, मैं इसको इस तरह से शिफ्ट करूँगी ये, क्योंकि ये वो रेडी वाले भैया, प्लांट वाले भैया पता नहीं कब से लेके घूम रहे थे इसको, तो ये थोड़ा हार्ड हो गया है, क्योंकि जो
नर्सरी से आते हैं प्लांट ना, वो चिकनी मिट्टी के होते हैं ताकि उनका ये जमा रहे, टूटे नहीं, इसलिए इसमें बहुत जिसकी ज़रूरत की मिट्टी सैंड या कोकोपीट चाहिए वो इसके अंदर नहीं होता है, ज़्यादातर मिट्टी और सैंड ही सैंड होता है और चिकनी मिट्टी के साथ इसको कवर किया होता है। इस तरह इसको दबा के मैंने निकाल लिया है बाहर। तो फ्रेंड्स जब इसको आप शिफ्ट करते हैं तो पूरा इसका रूट को आप डैमेज ना करें, इसको अपना अस्तित्व का भी इसको पता रहना चाहिए कि मुझे कहीं रिपोर्टिंग नहीं किया हुआ, अपनी जगह पे हूँ। तो थोड़ा सा ऊपर से हटा दीजिए ताकि इसको अपने मिट्टी का एहसास हो कि हाँ मुझे कहीं और शिफ्ट नहीं किया है, अदरवाइज ये ट्रामेटिक हो जाएगा, मर जाएगा। और जब शिफ्ट करते हैं फ्रेंड्स तो इसको इसके जो रूट्स को इसको डैमेज नहीं करना, जैसे वैसे छोड़ देना है, क्योंकि बाद में आप इसको पॉट में डालेंगे तो अपने आप ही ये अपनी जगह बना लेगा। तो ये फ्रेंड्स ये मिनिएचर एक्सोरा है, 4-5 दिन से पड़े पड़े ये इस तरह से हो गया, अगर पहले बदल देती तो शायद ठीक रहता, मगर अब ठीक हो जाएगा ये भी। तो इसकी मिट्टी जितनी है वो वापस उसी में डाल दीजिए। और बाकी मिट्टी से जो बचा हुआ रखा तो मैंने उसके लिए बनाया हुआ था इसकी क्वांटिटी, वो इसे कवर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं DIY है मेरा, प्लास्टिक का कुछ गमला मैंने काटा था तेल के डिब्बे को, तो इसमें जो बच गया था वो मैंने इस तरह से इसको इस्तेमाल कर लिया। इस तरह से इसको अच्छे से दबा दीजिए ताकि इसकी जड़ें इधर उधर से अपना रूट बनाने में, रूट डेवलप करने में इसको मदद मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इसको तो फ्रेंड्स अब इसमें सारा मैंने मिट्टी जो इसके लिए क्वांटिटी मैंने बना रखा था इसके डोज के हिसाब से, तो मैंने इसको सारा डाल दिया है और इसको मिट्टी से दबा दिया है। मगर जब भी आप प्लांट्स रिपोर्टिंग करते हैं या चेंज करते हैं फ्रेंड्स, चाहे वो कितना भी गीली मिट्टी हो, उसे पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स मैं इस तरह से मैंने एक छोटा सा पुरानी बॉटल को ये दबा दबा के ऐसे ख़राब हो गया, बट ये मेरे बहुत काम की चीज़ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको मैं पानी पिलाती हूँ क्योंकि इसको मैंने रिपोर्ट किया हुआ है, इसको अच्छे से मैंने पानी दे दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी पहला मेरा बनेगा आपको सबसे पहले मैं उसको पोस्ट कर पाऊँ। थैंक यू। फ्रेंड्स एक बात तो बताना भूल ही गए, जब भी आप अपना रिपोर्टिंग करते हैं या कोई पौधा बदलते हैं एक गमले दूसरे गमले में, तो प्लीज़ उसको सेमी शेड में ही रखें, थोड़ा धूप थोड़ा छांव, अदरवाइज एकदम से जो पौधे नन्हे पौधे जो दूसरे जगह पे जाते हैं ना मरने के चांस रहते हैं, तो उनको सेमी शेड में रख सकते हैं धूप छांव की जगह पर, तो धूप भी मिलेगा छांव भी मिलेगी और आपके पौधे हरे भरे रहेंगे।